चौमू उपखंड के कालाडेरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 400 से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित हैं। इन फैक्ट्रियों में हजारों मजदूर काम करते हैं। कुछ फैक्ट्रियों में 24 घंटे भी काम चलता है और दिन रात मजदूर काम करते नजर आते हैं। बड़ा रिको एरिया होने के बाद भी यहां आग लगने पर उसे बुझाने के लिए एक ही दमकल है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यह दमकल भी बीते 3 महीने से खराब है। अगर रिको एरिया में आग लगने की घटना होती है तो चौमू, जयपुर और रिंगस से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ेगी। उनके देरी से पहुंचने पर बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। इस मामले को लेकर रिको एसोसिएशन के पदाधिकारी कई बार रिको प्रबंधन सहित उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कालाडेरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में साल 2010 में करीब 5000 लीटर भराव क्षमता की 5000 लीटर भराव क्षमता की दमकल गाड़ियां शामिल की गई थी, लेकिन करीब 3-4 महीने से ये दमकल भी खटारा होकर शोपीस की तरह खड़ी है। दमकल नहीं होने से फैक्ट्री संचालकों को हमेशा डर सताता रहता है कि फैक्ट्री में आग लगने की घटना होने पर चौमू, रिंगस, जयपुर से दमकल पहुंचेगी, तब तक फैक्ट्रियों में लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। कालाडेरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 400 से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित है। इसमें 3 पेपर मिल फैक्ट्री, 22 प्लाईवुड फैक्ट्री, 1 दर्जन से अधिक लकड़ी फैक्ट्री, सरिया, कपड़ा, कागज सहित अन्य फैक्ट्रियां संचालित की गई हैं, जहां पर कई बार आगजनी की घटना हो चुकी है। कई बार दमकल के समय पर नहीं पहुंचने पर आग विकराल रूप ले लेती है और फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो जाता है। रिको एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रिको प्रबंधक को इस मामले में लेकर कई बार अवगत कराया है और क्षेत्र में से 2 से अधिक दमकल गाड़ियां लगाने की मांग की है।